नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर डेली वन अप्रैल टू आज के इंपॉर्टेंट वन वनलाइन कौन कौन सा है चेक करते हैं सबसे पहला इंडियन फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सेवंथ एडिशन ऑफ इंडियन फार्मा एंड इंडियन मेडिकल डिवाइस अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑर्गनाइज किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसे फिक्की भी बोलते हैं अब देखिए इस अवार्ड वेरियस फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री प्लेयर्स को दिया जाता है ठीक है तो अप्रैल ट्वेंटी सेवन को यह फंक्शन हुआ था और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स भगवान खूबा साहब ने अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किया नाउ अवार्ड्स किस किस को मिला इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है सिप्ला लिमिटेड को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और इंडियन फार्मा फॉर्मोलेन अवार्ड विनर है माइक्रोलैब्स लिमिटेड और इंडियन फार्मा सी एस आर ऑफ़ द ईयर अवार्ड किन को मिला है जाइडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड वैसे सी एस आर का मतलब क्या होता है दोस्तों कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको कल भी बताया था देखिए हर एक कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज सोशल पर्पसेस के लिए यूज़ करना होता है वैसे कितना परसेंटेज है देखिए पिछले तीन साल में उनका जो एवरेज प्रॉफिट है उसका टू परसेंटेज सोशल पर्पसेज के लिए स्पेंड करना होता है इसे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं तो जाइडस लाइफ सेंसेस लिमिटेड रूरल हेल्थ केयर के लिए काफी काम किए थे और सी एस आर ऑफ दवार ग्लेनमर्क फार्मास्यूटिकल्स और सेकंड रनर लुपिन लिमिटेड अगला है नास्कोम चेयरपर्सन फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री सबसे पहले नास्कोम के बारे में नास्कोम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज ये बेसिकली एक इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप है बेसिकली इंडिया में जितने सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है ना इनका एक एसोसिएशन आप बोल सकते हो नास्को जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर मेनली फोकस करते हैं नास्कॉम एस्टैब्लिश हुआ था 1988 में और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो नास्कोम का चेयरपर्सन अपॉइंट हुआ है कौन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का एंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप का करंट प्रेजिडेंट कृष्णम रामानुजो ये एयरलियर नास्कॉम का वाइस चेयरपर्सन भी थे इससे पहले नास्कॉम का चेयरपर्सन था रेखा एम मेनोन रेखा एम मेनोन चेयरपर्सन एंड सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर है एक्सेंचर का एक्सेंचर के बारे में आपने सुना होगा बेसिकली एक आईटी कंपनी है नाउ नासकोम हैज आल्सो अपॉइंटेड आनंद महेश्वरी प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एस इट्स वाइस चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट ऑफ नास्कॉम कौन है देव घोष तो बेसिकली देखिए दोस्तों नास्कोम मैंने बोला एक एसोसिएशन है इंडियन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का तो नास्कॉम का चेयरपर्सन है कृष्णम रामानुजम वाइस चेयरपर्सन है आनंद महेश्वरी प्रेसिडेंट है इंफॉर्मेशन है, है वो मैं आपको बताऊंगा देखिए कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी मिला हुआ है इनका हेडक्वार्टर है यूरोपियन कंट्री एस्टोनिया का कैपिटल टैलिन में तो ये लोकशील्स 2022 करके एक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है और ये जो लॉक शील्स 2022 दुनिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनुअल इंटरनेशनल लाइव फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है आपने कई सारे न्यूज सुना होगा दुनिया भर में साइबर अटैक्स का फॉर एक्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर साइबर अटैक हुआ था पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर साइबर अटैक्स होते हैं जिसकी वजह से पावर डिस्ट्रप्शन होते हैं है, है कि नहीं इवन इंडिया में भी हुआ है इससे पहले तो इस तरह जो साइबर अटैक्स होते हैं ना उन्हें प्रिवेंट करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है तो इसमें लाइव ड्रिल्स कंडक्ट करते हैं अट द एक्सरसाइज साइबर एक्सपर्ट्स प्रैक्टिस द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सिविलियन एंड मिलटी आई टी सिस्टम्स एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन ए लार्ज स्केल साइबर अटैक देखिए अगर एक लार्ज स्केल साइबर अटैक हुआ किसी भी नेशनल सिविलियन एंड मिलिट्री आई टी सिस्टम्स के ऊपर या फिर कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो उसे प्रिवेंट कैसे किया जाए इसके लिए ये एक्सरसाइज में काफ़ी सारे इवेंट्स होता है

क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे प्रिवेंट करने के लिए काफी कुछ ड्रिल्स किया जाएगा जैसे कि आपने मूवीज में देखा है ना ये लोग सब कुछ सिमुलेट करके ये एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं तो इस एक्सरसाइज में काफी सारे स्टेक होल्डर्स है लाइक नाटो सीमेंस माइक्रोसॉफ्ट टैलिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर पार्टनर्स ऑल्सो तो ये सारे मिलकर कोलाबरेट करके इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा है अब दोस्तों इस एक्सरसाइज का जो टाइमिंग है ना यही इसका सिग्निफिकेंस है क्योंकि आप सबको पता है अब रशिया यूक्रेन बाहर चल रहा है और न्यूज ऐसे आया था कि रशिया यूक्रेन के ऊपर साइबर अटैक्स किया करके उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर साइबर अटैक्स किया करके और यूक्रेन रशिया के ऊपर भी साइबर अटैक्स प्लान कर रहे करके न्यूज आया था तो अब ये जो टाइमिंग में जो एक्सरसाइज चल रहा है ना ये इसका सिग्निफिकेंस आप बोल सकते हो इसलिए काफी न्यूज में भी आया था तो ये इवेंट का नाम आप ध्यान दीजिएगा लोक शील्स टू वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैंने बोला था एस्टोनिया का कैपिटल टलिन में है अब एस्टोनिया का मैप भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक यूरोपियन कंट्री है जो बाल्टिक सी से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं एंड ईस्टर्न साइड में पूरा रशिया है साइड में लातविया है अगला है डेनमार्क डेनमार्क देखिए दुनिया का पहला कंट्री बना है जो अपना कोविड 19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कंप्लीटली सस्पेंड किया है डेनिश हेल्थ अथॉरिटी ने यह बोला है एपिडेमिक अब कंप्लीटली अंडर कंट्रोल में है और कंट्री गुड पोजीशन में है और 81 परसेंट ऑफ डेनमार्क 5.8 मिलियन पॉपुलेशन ऑलरेडी ऑफ कोविड-19 नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से मई फिफ्टीन के बाद और ऑटम सीजन में वैक्सीनेशन फिर से शुरू करने का प्लान भी कर रहा है डेनमार्क आप ही के लिए उन्होंने कोविड नाइनटीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम को खत्म किया ठीक है नाउ डेनमार्क का कैपिटल कौन सा है ये भी आप ध्यान दीजिएगा साथ साथ में डेनमार्क का मैप भी डिस्कस कर लेते हैं एक यूरोपियन कंट्री है कैपिटल एपन हैगन वेस्टर्न साइड में नॉर्थ सी है ईस्टर्न साइड में बाल्टिक सी है डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड एंड आइसलैंड इन्हें नॉर्डिक कंट्रीज भी बोलते हैं ये बात भी आपको पता होनी चाहिए अब आपसे एक सवाल है दोस्तों डेनमार्क का दो मेजर ओवरसीज टेरिटरीज है एक है ग्रीनलैंड आप सबको पता होगा दूसरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है एक आइलैंड है ये काफी न्यूज में भी आया था वो आइलैंड का नाम क्या आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए फाइनल न्यूज फर्स्ट नॉन ह्यूमन केस ऑफ एच थ्री एन एट एच थ्री एन एट क्या है स्ट्रेन ऑफ एवियन फ्लू है देखिए एवियन फ्लू मतलब बर्ड से रिलेटेड जो फ्लू है नाउ एवियन फ्लू का अलग अलग स्ट्रेन है एच फाइव एन वन एच सबसे पहली बार नाइनटीन नाइनटी सेवन में डिकटेक्ट हुआ था एच सेवन एन नाइन टू थाउजेंड थर्टीन में डिकटेक्ट हुआ था वैसे दोस्तों एच फाइव एन वन एंड एच से इन्फेक्शन भी रिपोर्ट हुआ है पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह बोला है इसका चांसेस बहुत कम है अगर हो भी गया तो पीपल टू पीपल ट्रांसमिशन नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल कोविड नाइन्टीन में क्या होता है पीपल टू पीपल ट्रांसमिशन होता है पर ये जो एच फाई एन वन एंड एच का पीपल टू पीपल ट्रांसमिशन होने का चांस बहुत ही ज्यादा कम है वैसे ये ह्यूमन इन्फेक्शन कब होता है

देखिए एच थ्री एन एड स्ट्रेन की वजह से कम से कम 160 सील्स का डेथ हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में एच थ्री एन एड स्ट्रेन इन्फेक्ट होने के बाद न्यूमोनिया अफेक्ट हुआ था इन एनिमल्स में तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव हो लेक्चर की पीडीएफ एज सूशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई है